Guys, how are you? This is my office studio and these are my custom-made speakers जिसमें मैं songbird का speaker use करूँ अपने custom enclosure में. And guys, अभी आप देख रहे हो उनकी हालत है बहुत ज़्यादा गंदी. Especially my beautiful-looking DF500 from Antec. So ये graphics card क्या लगा देखो, इसके ऊपर मिट्टी की लिख layer ही बन गई है. So guys, ये basically 6 months से use लगातार हो रहा है. And ये तब से बस ये वैसा का वैसा है, इसको मतलब खोला तक नहीं मैंने. खोलना क्यों था यार, जब वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है. एंड ये मेरा सोनी का 32 इंच LED TV है जिसे मैं एज अ मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ. एंड ये मेरा अमेजोन बेसिक्स का माउस पैड है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा. एंड ये चेकआउट गाइस, पूरा एरिया में मतलब डस्ट नहीं कह सकते, इसे डस्ट का भंडार कह सकते हैं. एंड ये गाइस नीचे का एरिया भी मैं दिखाता हूँ, ये भी भर गया है. एंड मेरा स्टील लाइन सब वूफर 10 इंच सब वूफर के साथ, ये भी कस्टम मेड, ये मैंने बहुत पहले बनाया था. एंड ये मेरा पंक ऑडियो का एम्पलीफायर, इसको मैंने कवर किया हुआ है, बट स्टिल लॉट ऑफ डस्ट. सो ये मेरा एंटेक DF500 को मैं बाहर ले आया हूँ, इसको फटाफट से गाइस मैं खोलता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ अंदर का हाल. चेक इट आउट. एंड अब ये क्लोजअप देखना, फ्रंट का पैनल भी मैंने निकाल दिया था. मैं सोचा फैंस को भी अच्छी तरह से क्लीन करेंगे यार, फैंस ही तो मेन है. ज़्यादा गंदे होंगे ना तभी ख़राब होंगे यार. मैंने सारे फिल्टर्स भी लगा दिए थे इसके, जबकि इस केस में तीन फिल्टर्स हैं. एक नीचे है पावर सप्लाई के लिए, एंड उसके बावजूद गाइस इसके अंदर इतनी डस्ट अक्यूमुलेट हो जाती है मैं बता नहीं सकता. ये इसका बैक साइड है, चेकआउट द टॉप साइड. एंड ये देखो मेरी एक सीगेट की यहाँ पे 1 TB हार्ड ड्राइव एंड मेरा VS450. एंड मतलब मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए तो मैं कह यार आज काम करना है तो फिर ढंग से करेंगे सारा कुछ खोल खाल के. एंड ये मेरा फ़ैन देखो गाइस एंटेक का, क्या मस्त कंडीशन है इसकी, भरा हुआ है अभी भी. एंड डस्ट, ओ माय गॉड, मतलब फिल्टर्स होने के बाद, मतलब फिल्टर हो गए जो फाइन पार्टिकल्स है ना डस्ट के, वो इसके अंदर से निकल के आ रहे हैं. एंड अब मैंने इसको खैर अपना हथियार निकाल लिया है जो मैं गाड़ियों में यूज़ करता हूँ, यहाँ पे भी वो चीज़ चलेगी. ब्लोइंग इज द न्यू थिंग गाइस, ब्लो कर दो सारी डस्ट डर्ट स्मर्क जो भी है, मतलब इट डज वर्क फेनोमिनल, मैं बता नहीं सकता, मतलब दिस थिंग जस्ट रॉक्स. तो मैंने इसके आगे से ही पीछे से हर जगह से मतलब इतना इसके अंदर मतलब मैंने काफ़ी अभी तक मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा गाइस, मतलब अगर ज़बरदस्ती अगर ये ब्लोइंग प्रोसेस दिखाता तो इट विल मेक द वीडियो मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता. एंड ये गाइस इस फिल्टर की बात कर रहा था, ये पावर सप्लाई के ऊपर लगा होता है, बहुत ही छोटा सा है बट इट डज़ वर्क. सो नीचे का साइड से भी हम इसके पावर सप्लाई पर भी मारेंगे अच्छी तरह से, तभी ये शायद कुछ काम कर पाएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं रह जाएगी मिट्टी, फिर क्या फ़ायदा मेहनत करने का, राइट. क्योंकि ये काम गाइस 6 महीने से पहले तो हो नहीं पाते क्योंकि और दूसरे काम इतने हैं, है कि नहीं. सो बैक साइड पे भी करना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे बेसिकली जहाँ हार्ड डिस्क का नीचे है कैडी, वहाँ पे डस्ट भर जाती है थोड़ी सी. एंड वहीं पे मैंने इसे दे दे के ब्लो किया है एंड उसके बाद काफ़ी इसने काम तो किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है इनफैक्ट. एंड ये फिल्टर्स पे भी मैंने कहा चलो मार देते हैं जो भी निकल जाए, है कि नहीं, जो निकल जाए अपना. चलो जी, ब्लोइंग का काम गाइस खत्म, बट ये तो क्लीनिंग की शुरुआत है गाइस. चेक इट आउट, ब्लो करने के बावजूद इसमें डस्ट देखो कितनी है, ये सारी चिपक चुकी है, मैं बता नहीं सकता ऐसे कैसे हो जाता है यार. ये देखो फिल्टर, ये फ्रंट फैंस का फिल्टर है, इनटेक पे फैंस की शेप बन गई है इसमें. सो इसका काम तो गाइस अच्छे वाला करना है. यानी फैन देखो, ब्लेड पे डस्ट चिपक जाती है ना, जैसे हमारे घर के फैंस में सेम वही हाल है, ग्राफिक्स कार्ड भी वही हाल होगा. पर ग्राफिक्स कार्ड मैं रिमूव नहीं कर रहा, रिमूव मैं कुछ नहीं करूँगा इसमें से, रिमूव गाइस मैं कुछ नहीं करूँगा. सो अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं, अब चलते हैं गाइस अंदर. ये देखो मेरा टेबल हैंड्स, ये मैंने आपको पहले दिखाया था, ये मेरी पावर सप्लाई जो कि एंटेक सॉरी मेरे पंक ऑडियो को पावर दे रही है. एंड ये वायरिंग की कंडीशन देखो, आई मीन इट्स फिल्ड विद डस्ट. सो अब इसको भी गाइस लेके चलते हैं हम बाहर एंड देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका. इसके ऊपर भी गाइस करेंगे सेम चीज़ अपना ब्लोइंग प्रोसेस. एंड डज मेक अ डिफरेंस गाइस, इट रियली मेक अ डिफरेंट, मतलब मिट्टी तो ऐसी उड़ जाती है बट उसके बाद भी कंप्लीट नहीं होता काम, जैसे कि मैं आपको भी दिखा देता हूँ. ये देखो ब्लोइंग कर दी बट फैंस की हालत देखो, वो तो गाइस बिना क्लोथ के हो ही नहीं सकता. अब इसको खोलना तो मैंने है नहीं. अब ये अपना टेबल पे हम आ गए हैं फिर से, हल्का अपना बैठा है वहाँ पे शान से. एंड ये मेरा माउस पैड, सबसे पहले सोचा माउस पैड ही कर देते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ा है वो, इसको साइड में रखते हैं आराम से. फिर वायरिंग को मैंने कहा थोड़ा सा भी करना स्टार्ट करते हैं. और एक मैं यहाँ पे USB एक्सटेंशन यूज़ कर रहा था, बेसिकली क्या कहते हैं ऐसे मल्टी पॉइंट. एंड ये अपना LED TV एकदम मस्त तरीके से इसको क्लीन कर दूंगा मैं, मज़ा आ जाएगा. एंड कीबोर्ड को भी कर दिया, सेक्सी लग रहा है कीबोर्ड अब. एंड ये देखो हल्के मसल्स क्या चमका दिए मैंने,
मस्त है ना. एंड टेबल को भी यही सेम कंडीशन. एंड अभी मैं आपको एक बढ़िया सही चीज़ दिखाता हूँ. चेक आउट दिस वायर कॉर्ड, भरी हुई है ना मिट्टी से. अब ये क्लीन कर दी मैंने. नाउ चेक इट आउट, ब्रांड न्यू. फाइनली ऊपर का काम खत्म हुआ, मैं आया नीचे. नीचे वायरिंग का बुरा हाल हो चुका है. ओवर 6-7 महीने के अंदर ये इतना ही टिक पाती है. एंड ये पंखा ऑडियो मिट्टी से भरा हुआ है. सो पहले इसको भी कर देते हैं ज़रा थोड़ा बहुत. इसको फिर मैं निकाल के अच्छी तरह करूँगा. एंड ये वायरिंग मैंने गाइस जैसे सारी निकाल दी है. मैं आपको वायरिंग दिखाता हूँ. ये देखो गाइस वायरिंग, इन सब पूरी वायरिंग को करेंगे. एंड गाइस LED लाइट्स भी मेरे यहाँ पे लगी हुई हैं, उनके लिए मैं एक सेपरेट कनेक्शन बना रहा हूँ जो कि ये है. मैंने बना दिया, ये पीछे ही रहेगा, नज़र कहीं नहीं आने वाला. प्रॉपर लॉक, एक सेपरेट बटन. ये जल गई लाइट, ये साइड की भी जल गई. एंड एक राइट साइड पर भी है ये टीवी के पीछे. मतलब ये चार हैं जो स्पीकर के ऊपर भी जा रही हैं, जो यहाँ से कनेक्शन जा रहा है. अब ये जो वायरिंग है यहाँ पे गाइस मैंने लगा दिए हैं दो केबल टायर्स. एंड केबल टायर्स के साथ मैं इन्हें कर दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट. सो ये हो गया कनेक्ट. एंड मैं आपको लाइटिंग दिखाता हूँ. एक यहाँ पर आ गई, एक ये आ गई, एंड ये एक साइड में चल रही है, और ये तीन ऊपर चल रही हैं क्योंकि ये एक ही कनेक्शन पर है. और ये अब आ रही है गाइज इसकी. सो गाइज अब मैंने फुल स्पीड में आपको इसलिए दिखाया, और मैं आपको कुछ बता भी देता हूँ. आप सोच रहे होगी कि मैं एक ही क्लोथ को हर जगह रगड़ी जा रहा हूँ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे पास मल्टीपल क्लोथ हैं सेम कलर के. एंड दो बारी मैंने उनको वापस से रिवॉश किया था विद वाटर. सो इस तरीके से मैं काम करता हूँ. एंड ये काम मैंने आपके सामने कर दिया है. एंड द स्पीकर एंड द माय Antec DF500 लुक्स ऑसम. अब सारे फिल्टर्स लगाने की बारी है. एंड ये सारे ये एक नीचे का फिल्टर लग गया. एंड ये अपना है फ्रंट एयर इनटेक का फिल्टर. एंड ये टॉप फिल्टर, टॉप फिल्टर बहुत काम का है, मस्त हीट निकलती है अगर पीछे का फैन ना हो तो. एंड ये फ्रंट पैनल लग गया, काफ़ी मारना पड़ा इसको तभी जाके फिट हुआ था. काम कंप्लीट, लेकिन ये रह गया. हो इसको भी अंदर बाहर से मैंने गाइस क्लीन कर दिया. एंड उसके बाद मैंने इसको बहुत ही ऑसम तरीके से फिट कर दिया. कूल ना. अब बारी है टेम्पर्ड ग्लास की. टेम्पर्ड ग्लास पे गाइस आज भी मेरा वो लैमिनेट लगा हुआ है प्लास्टिक का, मैंने उसे उतारा ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं लगती. सो उसको क्लीन आउट करने के बाद मैंने इसको प्रॉपर तरीके से कर दिया है फिट. एंड ये इसके स्क्रूज भी मैंने लगा दिए, मस्त ना, बिल्कुल ऑसम. एंड ये है अपने पीछे साइड पैनल के स्क्रूज, इनको भी मैंने फिट कर दिया. सो ये हो गया गाइस कंप्लीट. मेरा माउस पैड भी आ गया. सो अब तो बचा ही नहीं कुछ. अब मैं आपको गाइस दिखाता हूँ ये चीज़ है क्या. डू लेट मी नो गाइज अब ये आपको कैसा लग रहा है. आई होप कि आप सबने वीडियो यहाँ तक पहुँचा ज़रूर हो, क्योंकि अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट हो गया है. सिर्फ 10 मिनट का वीडियो तो है यार, इतना तो बनता है. इतना सारा काम किया है मैंने, कुछ तो बनेगा कि नहीं. A to Z चीज़ें. अब करते हैं लाइट्स ऑफ. चेक इट आउट इन दैट लुकिंग स्टूपेंडस मैन. ऐसे ही देखने में मज़ा आया था. कई बार ये होता है ना, बंदा सोच रहा होता है तो मैं इस अपने CPU को ही देखने लग जाता हूँ. फैन घूमते हुए बड़ा अच्छा लगता है. एंड चेक आउट द बिलो एरिया. सो सब वूफर लुक्स ऑसम. ये भी गाइस LMD डिज़ाइन के अंदर है. अगर आपको चाहिए होगा यू कैन anywhere एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी, आई विल गेट anything मेड फॉर यू, कस्टम मेड. ओके गाइस, देयर यू हैव इट गाइस. दिस इज आवर क्लीन Antec DF500 RGB एंड everything else which is in the office studio. So मुझे पता है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, क्योंकि करना है तो यार ढंग से करो, नहीं तो मत करो, राइट. सो इस पर्टिकुलर स्पॉट के लिए जो कि आप अभी देख रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर, मुझे एटलीस्ट 4 to 5 hours लगे. नीचे का एरिया भी है, ऊपर का एरिया भी है, एंड अपना Antec DF500 RGB भी है. एक एक फैन को मैंने क्लीन किया, जैसे कि आप सबने अभी शॉर्ट्स में सब कुछ देखा ही है, राइट. सो That's it for this video guys, and अगर आपने कुछ भी सीखा इस वीडियो में तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड हम मिलेंगे बहुत जल्द किसी ऑसम से वीडियो में. एंड मुझे भी ये जगह बहुत ही ऑसम लग रही है, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ बैठने में. तो दैट इज व्हाई आई एम चेंजिंग द एनवायरमेंट, क्योंकि सारी RGB लाइटिंग मैंने एकदम फिक्स कर दी थी. पहले कई चीज़ें नहीं चल रही थी ढंग से, एंड उस टाइम मैं थोड़ी मेथडोलॉजी भी डिफरेंटली यूज कर रहा था. बट अब जो मेथडोलॉजी है वो बहुत ही सिंपल है. सो यहाँ पे ही मैंने इसका एक बटन लगा रखा है, अगर मैं उसको क्लिक करूंगा सो सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी, जैसे कि अभी आपने देखा स्क्रीन पर, राइट. एंड नाउ इट्स ऑन. सो जो RGB लाइटिंग हमारी Antec DF500 में है वो सेपरेट है. एंड दैट इज ऑल्सो दिस रिमोट कंट्रोल्ड, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, राइट. कुछ भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ. सो ठीक है गाइस, फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द ऑसम से किसी और ऑसम से वीडियो में. आई थिंक कि वो भी शायद PC रिलेटेड हो, क्योंकि अभी मैंने इसका करना है फुल फॉर्मेट. एंड फुल फॉर्मेट के बाद देखते हैं कि क्या होता है. एंड गाइस अगर आपको फॉर्मेटिंग विंडोज रीइंस्टॉलेशन के ऊपर भी कुछ देखना तो इसी वीडियो के बाद मुझे कुछ कमेंट्स वगैरह दे देना. अच्छा रिस्पॉन्स उसमें मिल जाएगा तो आई विल डेफिनेटली मेक इट. अगर नहीं मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली नॉट मेक इट.
and फिर देखते हैं क्या होता है. So guys, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में. Bye, take care, see ya guys, have lots of fun.